हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। यह हमारा पार्ट सेकंड है बायोडायवर्सिटी टॉपिक का, जो कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेगमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्नो लियोपार्ड के बारे में जानेंगे। हमने लेक्चर वन में जाना था, जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में लॉन्च किया गया था, उसके मैंडेट को बढ़ाकर स्नो लियोपार्ड भी इंक्लूड कर दिया गया। एक और न्यूज़ निकल कर आई है फ्रेंड्स, अभी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया को रिलीज किया है। और यह है फ्रेंड्स जो स्टीयरिंग कमेटी है ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम, उसकी जो फोर्थ मीटिंग थी, तब यह असेसमेंट रिपोर्ट को निकाला गया। बेसिकली इस असेसमेंट रिपोर्ट में पॉपुलेशन को ट्रैक किया जा रहा है। जिस तरह से हम टाइगर के पॉपुलेशन का एस्टीमेट निकालते हैं, उसी तरह से सिमिलरली फ्रेंड्स स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट को निकाला जा रहा है इंडिया में। तो सबसे पहले हम ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम, यह फ्रेंड्स 12 स्नो लियोपार्ड रेंज कंट्रीज का यह इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है। रेंज कंट्रीज वही होती हैं फ्रेंड्स जहाँ पर कोई स्पीसीज पाई जाती है। तो लियोपार्ड रेंज कंट्रीज मतलब जहाँ पर स्नो लियोपार्ड पाए जाते हैं, तो उन 12 स्नो लियोपार्ड रेंज कंट्रीज का फ्रेंड्स यह इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है। 12 स्नो लियोपार्ड कंट्रीज कौन सी हैं आप देख सकते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रसिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो मेनली फ्रेंड्स जो सेंट्रल एशिया है वो और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की मेजर कंट्रीज को इंक्लूड करता है लियोपार्ड रेंज कंट्रीज। इंटर गवर्नमेंटल अलायंस हमने देखा, तो इंटर गवर्नमेंटल अलायंस का मतलब है फ्रेंड्स सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है स्नो लियोपार्ड के कंजर्वेशन के लिए, और जहाँ पर वो रहते हैं जैसे कि हाई माउंटेन इकोसिस्टम, तो उसको कंजर्व करने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट, एनजीओस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल कम्युनिटीज, इवन फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है इस प्रोग्राम के अंदर। तो आपको यही याद रखना है, ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम 12 स्नो लियोपार्ड रेंज कंट्रीज का एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है। अब फ्रेंड्स जो असेसमेंट रिपोर्ट निकाली गई है वो हम देख लेते हैं। स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन एस्टीमेशन इन इंडिया को प्रिपेयर किसने किया है आपको याद रखना है, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साथ फ्रेंड्स जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है कंजर्वेशन के लिए, उन्होंने मिलकर इस एस्टीमेशन को रिलीज़ किया है। तो वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम कमेटी, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जिसको 2008 में लॉन्च किया गया था, उसकी जो काउंसिल है फ्रेंड्स वह भी असेसमेंट में इंक्लूड थी, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल टाइगर फोरम और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट। तो फ्रेंड्स इतनी सारे इंस्टीट्यूशन ने मिलकर यह एस्टीमेशन को निकाला है इंडिया में। नेशनल लेवल एस्टीमेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो टाइगर का किया जाता है जो हम पढ़ चुके हैं लेक्चर वन में, राइनोस का भी किया जाता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी लॉन्च किया गया था 1992 में, उसके अंदर ही फ्रेंड्स नेशनल लेवल एस्टीमेशन किया जाता है। सिमिलरली स्नो लियोपार्ड के अंदर स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन एस्टीमेशन इन इंडिया के रूप में नेशनल लेवल एस्टीमेशन किया जाता है। इस एस्टीमेशन के दौरान फ्रेंड्स यह पता लगा कि जो टोटल हैबिटेट है स्नो लियोपार्ड का, उसका सिर्फ 2% ही सैंपल किया जा चुका, क्योंकि फ्रेंड्स डिफिकल्ट टेरेन मींस आप नाम से ही समझ सकते हैं स्नो लियोपार्ड, यह फ्रेंड्स ऐसी एल्टीट्यूड में रहते हैं, ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं जहाँ पर कोल्ड कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए फ्रेंड्स सैम्पलिंग के लिए डिफिकल्ट टेरेन हो जाता है, इसलिए अभी तक सिर्फ 2% ऑफ टोटल हैबिटेट को सैंपल किया जा चुका है। अब हम स्नो लियोपार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। स्नो लियोपार्ड को फ्रेंड्स IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, आपको याद रखना है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल वन में इसको रखा गया है, मीन्स हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। साइट्स की अपेंडिक्स में वन में रखा गया है, हम साइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के भी अपेंडिक्स वन में रखा गया है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे CMS के बारे में। और इंडिया में बात करें फ्रेंड्स, तो स्नो लियोपार्ड अभी हमने देखा कि कोल्डर कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इंडिया में समझ ही सकते हैं इनको हिमालय और ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप में देखा जा सकता है। जनरली 3000 मीटर टू 5400 मीटर के एलिवेशन में यह पाए जाते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश जो हिमालयन और ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप है फ्रेंड्स, वहाँ पर इनको देखा जा सकता है। थ्रेट्स क्या है फ्रेंड स्नो लियोपार्ड को, यह कॉमन होते हैं, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इलीगल किलिंग, पोचिंग फॉर फर, बोन्स, क्लॉज एटसेट्रा, इनके लिए जो इलीगल किलिंग होती है यह इसका थ्रेट है, इसलिए फ्रेंड्स इसको इलीगल किलिंग पोचिंग को रोकने के लिए इसको शेड्यूल वन में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अब हम कंजर्वेशन एफर्ट्स भी देख लेते हैं। इंडिया में बेसिकली प्रोजेक्ट स्नो
लियोपार्ड को चलाया जा रहा है। आपको जो फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स, यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसको स्नो लियोपार्ड के कंजर्वेशन के लिए चलाया जा रहा है। सिक्योर हिमालय भी फ्रेंड्स एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको हिमालयन इकोसिस्टम में जो स्नो लियोपार्ड एग्जिस्ट करते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए और जो लोकल कम्युनिटीज हैं फ्रेंड्स उनकी लाइवलीहुड को एनहेंस करने के लिए सिक्योर हिमालयस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को फंड किया जा रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो यह फ्रेंड्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब हम फ्रेंड चीता के बारे में जान लेते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है जो अफ्रीकन चीता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में फ्रॉम नेमीबिया। नेमीबिया एक अफ्रीकन कंट्रीज है फ्रेंड, तो आपको यही याद रखना है अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, ना कि एशियाटिक चीता को। न्यूज़ देखे हो, सबसे पहले जो प्लान था अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस कराना इंडिया में, यह फ्रेंड 2009 में बनाया गया था और जो नियरली एक्सटेंट चीता पॉपुलेशन है इंडिया में उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए इस प्लान को फ्लोट किया गया था। पहले फ्रेंड्स ईरान से ट्राई किया गया क्योंकि ईरान होस्ट करता है एशियाटिक चीता को, लेकिन सिंस ईरान ने रिफ्यूज़ किया इंडिया का प्रपोजल, इसलिए गवर्नमेंट अब अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस कर रही है इंडिया में। 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट पैनल को बताया था कि पैनल को मैंडेट किया गया था कि आप बताइए कि जो चीता है अफ्रीकन चीता उसको कहाँ कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए। तो पैनल ने रिकमेंड किया था कि मध्य प्रदेश की कूनो पालपुर सेंचुरी में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, गुजरात में बेलाबादा नेशनल पार्क और फ्रेंड्स राजस्थान में ताल छपार सेंचुरी में आप इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप तीनों लोकेशन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ताल छपार सेंचुरी राजस्थान में है, बेलावदर नेशनल पार्क गुजरात में है और कूनो पालपुर जो सेंचुरी वो मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। लेकिन जो प्रेफरेंस दिया गया वो कूनो पालपुर सेंचुरी को दिया गया फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, और कूनो पालपुर सेंचुरी को एशियाटिक लायन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी फ्रेंड्स प्रेफरेंस दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स अभी 3 मेंबर कम्युनिटी को गठित किया है। उस कम्युनिटी का काम होगा कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को गाइड किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का फाइनल डिस्क्रिप्शन रहेगा तब भी अफ्रीकन चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यह सब प्रॉपर सर्वे करने के बाद ही होगा। अब हम चीता के बारे में जान लेते हैं और फिर हम अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में डिफरेंस क्या होता है वो भी देखेंगे। चीता की बात करें तो यह एक की स्टोन स्पीसीज ऑफ ड्राई फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट एंड सवानस। की स्टोन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है फ्रेंड्स अगर एनवायरनमेंट कंडीशंस में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन पर ही देखने को मिलता है। इसलिए ऐसी स्पीसीज फ्रेंड प्रॉपर इंडिकेटर की तरह काम करती हैं और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेट कर सकती हैं और कंजर्वेशन की तरह काम अच्छे से कर सकती हैं। इसलिए चीता जो एक की स्टोन स्पीसीज है यह फ्रेंड्स ड्राई फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट और सवाना इकोसिस्टम के बारे में ज़्यादातर अच्छे से बताता है। अब हम इंडिया में बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो चुका था 1952 से ही, इसलिए अब इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यह वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। प्रॉब्लम फ्रेंड्स वही है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ प्रे, इलीगल ट्रैफिकिंग, इसी वजह से फ्रेंड्स इनकी जो नंबर है उनमें डिक्लाइन देखने को मिला था और 1952 में यह एक्सटिंक्ट हो चुके थे इंडिया में। IUCN स्टेटस हर स्पीसीज आपको ज़्यादातर याद होना चाहिए जो न्यूज़ में। चीता की बात करें तो यह भी फ्रेंड्स वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, हमने अभी स्नो लियोपार्ड के बारे में देखा था। और एशियाटिक चीता की बात करें फ्रेंड्स तो यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, क्योंकि एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में ही सर्वाइव कर रहा है। तो अफ्रीकन चीता फ्रेंड वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में डिफरेंस देखें तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि एशियाटिक चीता ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फास्टर होता है अफ्रीकन चीता से, लेकिन पीपल अदर वे भी बिलीव करते हैं। एशियाटिक चीता की बात करें तो फ्रेंड्स यह ईरान में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी 50 और 70 के बीच में ही है। अफ्रीकन चीता की बात करें तो यह वर्ल्ड रीजन में पाए जाते हैं अफ्रीका में। अब हम फ्रेंड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में पढ़ लेते हैं जिसको इंडियन राइनो भी बोला जाता है। फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने 2015 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन के बाद एक स्पेशल फोर्स को बनाया था कि जो पोचिंग होती है प्रोटेक्टेड एरियाज में राइनोसोरस की उसको रोका जा सके। यह फ्रेंड्स स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से जानी जाती है, SRPF। तो स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स 2015 में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि जो पोचिंग होती है उसको रोका जाए।
इसलिए फ्रेंड्स अब हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स को अभी रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क में डिप्लॉय किया गया था कि राइनोसोरस की पोचिंग को रोका जाए। और यह जो प्रोटेक्शन फोर्स है उसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन के बाद बनाया गया था। अब हम राइनो के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। ग्रेट बर्न हॉर्न्ड राइनो या फ्रेंड्स इंडियन राइनो यह लार्जेस्ट स्पीसीज है राइनो की जो नेपाल भूटान पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती है। तो बेसिकली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राइनो स्पीसीज पाई जाती है, इंडिया का जो वन ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो वो लार्जेस्ट है। इंडिया में नियरली 85% ऑफ पॉपुलेशन है। हम बात करें अगर एशियाटिक एशियन रीजन में जो राइनो पाया जाता है तो 2200 तो इंडिया में ही राइनोसोरस पाए जाते हैं। अब हम फ्रेंड इंडिया स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें राइनो की तो यह ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम में पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डाटा 2002 के हिसाब से अगर हम देखें तो असम में ही अकेले फ्रेंड्स 91% ऑफ राइनो पॉपुलेशन पाई जाती है और यह काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादातर कंसंट्रेटेड है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए असम में है, और जो पूरी राइनो पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादातर 90% तो असम में ही पाई जाती है। इनका हम IUCN स्टेटस देखें तो फ्रेंड्स वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में रखा जाता है, मीन्स पोचिंग पर रोक लगाई जाती है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है, बेसिकली जो इसका होन होता है इसलिए इसको पोच किया जाता है। थ्रेट्स वही हैं फ्रेंड्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फ्लडिंग, पोचिंग। अब हम फ्रेंड्स इंडियन राइनो विजन 2020 के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड 2020 तक जो राइनो की पॉपुलेशन है उनको नियरली 3000 कर दी जाए, जहाँ पर ये 7 प्रोटेक्टेड एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं असम में, तो वहाँ पर फ्रेंड्स इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, यही राइनो विजन का एम है। इसको फ्रेंड्स 2005 में लॉन्च किया गया था, तो आपको यही याद रखना है 2005 में लॉन्च किया गया था इंडियन राइनो विजन 2020, मीन्स 2020 तक डेडलाइन सेट की गई थी कि राइनो की पॉपुलेशन है वो 3000 तक कर दी जाए इन द 7 प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ असम। अभी हमने देखा था फ्रेंड्स असम में नियरली 90% ऑफ राइनोसोरस पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क अकेले की बात करें तो फ्रेंड्स 70% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो भी है राइनोसोरस की वो असम में ही पाई जाती है। इसलिए फ्रेंड्स इतनी सारी पॉपुलेशन अगर एक ही पार्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में कंसंट्रेट हो जाती है तो फ्रेंड्स इम्बेलेंस हो जाता है, और जो हमने स्पीसीज इवननेस पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए उसमें फ्रेंड जो प्रोपोर्शन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी को रोकने के लिए जो इंडियन राइनो विजन है 2020 एम करता है कि जो काजीरंगा और पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ से राइनो को अब ट्रांसलोकेट किया जाए और नेक्स्ट 5 प्रोटेक्टेड एरियाज में, जो 5 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो है मानस, लखोवा, बूरा, छपोरी, कोचमारा, डिब्रू साइकोवा एंड ओरे। तो फ्रेंड्स यह 5 प्रोटेक्टेड एरिया में इस राइनो विजन 2020 के अंदर अब जो कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है काजीरंगा और पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ से इनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्पीसीज है फ्रेंड्स हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, अभी कर्नाटक असेंबली ने डिसाइड किया था जो सिरागुप्पा तालुक एरिया है कर्नाटक में उसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोटेक्टेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक हाई पावर्ड कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है कि इस कमेटी के द्वारा एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी फ्रेंड्स 34 करोड़ रुपीज़ को एलोकेट किए फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ GIB या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इंडिया में इनका नंबर देखें तो सिर्फ 130 ही बचा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर यह फ्रेंड्स एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में ही, मतलब ज़्यादातर यह पाकिस्तान और इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में ही पाए जाते हैं। पाकिस्तान में ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, नलिया नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, बरोड़ा नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र एंड वेलारी नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटक, यहाँ पर यह पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में यह पाए जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को होस्ट करता है, और इनफैक्ट यह राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है फ्रेंड्स। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा,
पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। इन स्टेट से अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डिसअपियर हो चुका है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ज़्यादातर यह फ्रेंड्स ओपन एरिया और एरिड और सेमी एरिड एरियाज में पाया जाता है। इसको फ्रेंड हाइएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी कम हो चुकी है, इसलिए इसको शेड्यूल वन में रखा गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड मीन्स IUCN की रेड लिस्ट में भी इसको सबसे ज़्यादा थ्रेट दिया गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान की स्टेट बर्ड हम देख ही चुके हैं और डेजर्ट नेशनल पार्क में इसके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट गोदावन को लॉन्च किया गया है। यह एक फ्लेक्सिबल स्पीसीज की तरह काम करती है, मीन्स अगर फ्रेंड्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कुछ हैवी इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और क्लाइमेट चेंज, देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रेंड्स वहाँ पर देखा नहीं जाता है, इसलिए यह एक इंडिकेटर स्पीसीज की तरह काम करता है। अगर हम कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो फ्रेंड्स इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसके अंदर फ्रेंड्स तीन कंपोनेंट है और जो तीसरा कंपोनेंट है रिकवरी प्रोग्राम, उसमें इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इंक्लूड करके रखा है। अभी हम फ्रेंड्स इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो रिकवरी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है उसमें फ्रेंड्स इसकी जो पॉपुलेशन है उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग की जाएगी और पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाएगा, फिर उसको फ्रेंड्स रिलीज कर दिया जाएगा वाइल्ड एरियाज में। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है रिकवरी प्रोग्राम के लिए। अभी फ्रेंड्स कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज भी इंडिया में हुई थी COP 13, वहाँ पर इसको एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज का दर्जा दिया गया था और हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है इसको कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज में क्योंकि इसको अनेक्स वन में रखा गया है। अब हम फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम के बारे में जान लेते हैं। यह फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि पिछले साल 4 स्पीसीज को ऐड किया गया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा इसके जो तीसरा कंपोनेंट है उसमें। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मीन्स फंडिंग दोनों गवर्नमेंट देती है और फ्रेंड्स इसको 11th प्लान पीरियड में लॉन्च किया गया था। पहले इसका नाम था असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। सिंस अब फ्रेंड्स अदर कंपोनेंट को भी ऐड कर दिया गया है इसलिए इसका नाम बदलकर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट रख दिया गया है। इसको 11th प्लान पीरियड में लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। इस प्रोग्राम के अंदर फ्रेंड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरीज गवर्नमेंट को। काम क्या है फ्रेंड्स, जो प्रोटेक्टेड एरियाज में स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकेंड है फ्रेंड्स जो प्रोटेक्टेड एरियाज के आउटसाइड स्पीसीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, इसका सेकेंड कंपोनेंट है। थर्ड है फ्रेंड्स रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया है फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स, तो उसके रिकवरी प्रोग्राम के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। यह फ्रेंड्स थर्ड कंपोनेंट है। और 4 स्पीसीज को ऐड किया गया है वो हम देख लिया है, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, क्लाउडेड लियोपार्ड, अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल एंड रेड पांडा। तो इन 4 स्पीसीज को ऐड किया गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं फ्रेंड चारों और रिकवरी प्रोग्राम के अंदर ऐड किया गया है। तो अदर 17 स्पीसीज हैं वो भी आप देख लीजिए फ्रेंड, अब 21 स्पीसीज हो चुकी हैं टोटल। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं ना और डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कौन कौन सी स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की गई हैं ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। तो अदर जो 17 स्पीसीज हैं वो स्नो लियोपार्ड, डॉल्फिन्स, अंगुल, नीलगिरी टायर, मैराइन टर्टल्स, ये जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं आपको देख लेना चाहिए। अब हम फ्रेंड्स ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में जान लेते हैं। अभी ओडिशा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो गरिया माता मैराइन सेंचुरी है फ्रेंड्स वहाँ पर फिशिंग को बैन कर दिया है टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल्स। गरिया माता की बात ही कर चुके हैं हम, यह ओडिशा में लोकेटेड है और यह फ्रेंड्स जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑलिव रिडली टर्टल मास नेस्टिंग होती है यह वन ऑफ द हॉटस्पॉट बना हुआ है। इन स्पीसीज की बात करें तो फ्रेंड्स ये लैक्स ऑफ नंबर्स में आते हैं, स्पेशली नवंबर फॉर मेटिंग और मार्च में जो फीमेल्स रहती हैं फ्रेंड्स वो वहाँ पर एग्स को ले करती हैं और ट्रॉलर्स और बोट्समैन को स्पेशली डायरेक्शन दिए गए हैं कि 20 किलोमीटर्स का जो एरिया है कोस्ट लाइन से वहाँ पर वो फिशिंग ना करें। ऑलिव रिडली टर्टल्स की बात करें तो यह वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टर्टल्स हैं, जितने भी टर्टल्स पाए जाते हैं वर्ल्ड में उनमें से फ्रेंड्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टर्टल्स ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं। वो यह वार्म वाटर में पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन में यह देखे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। इसकी एक और स्पीसीज है फ्रेंड्स कैंप रिडली टर्टल, उनके साथ फ्रेंड्स यह मास नेस्टिंग को कंडक्ट करते हैं। मास नेस्टिंग के लिए एक टर्म दिया गया है फ्रेंड्स अरीबादा, तो अरीबादा टर्म मास नेस्टिंग के लिए टर्म दिया गया है, यह रिलेटेड है ऑलिव रिडली टर्टल से।
कुछ इस तरह का फ्रेंड साइट होती है जब लेक्स ऑफ दी स्ट्रेटस कम टू द कोस्ट ऑफ ओडिशा, तो वहाँ पर ऐसा देखा जाता है। अब हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, साइट्स की अपेंडिक्स वन में रखा गया है और CMS के भी अपेंडिक्स वन में रखा गया है। फ्रेंड्स, हम IUCN साइट्स के बारे में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम CMS के बारे में आगे देखेंगे। यह फ्रेंड्स कार्निवोर स्पीसीज है और बेसिकली जो फिशेज हैं और स्मॉल स्पीसीज हैं जैसे श्रिम्प, स्नेल्स हों, तो उन पर यह सर्वाइव करती हैं। ज़्यादातर यह अपनी लाइफ फ्रेंड्स पानी में ही बिताती हैं और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर यह माइग्रेट करती हैं मेटिंग के लिए, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम फ्रेंड्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं ओलिव रिडली टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिवा एक्सरसाइज को लॉन्च किया था ओलिव रिडली टर्टल्स की जो ब्रीडिंग होती है सेफ ब्रीडिंग इंश्योर करने के लिए। अभी ऑपरेशन सेफ करवा भी लॉन्च किया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल के द्वारा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को फ्रेंड्स अमेंड भी किया गया था और जितनी भी सी टर्टल स्पीसीज हैं जो स्टेट में आती हैं ओडिशा में बेसिकली उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था और लेटेस्ट अमेंडमेंट 2006 में किया गया था। गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान को अभी निकाला है। विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान का बेसिकली अभी ड्राफ्ट निकाला गया है पब्लिक डोमेन में और इस प्लान को फ्रेंड्स 2020 से लेकर 2030 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इस प्लान में कंजर्वेशन पर फोकस किया जाएगा, एविएशन डाइवर्सिटी, उनके इकोसिस्टम, हैबिटेट एंड देयर लैंडस्केप्स। इस प्लान के अंदर फ्रेंड्स 15 मेजर एक्टिविटीज से या प्रोग्राम को आइडेंटिफाई किया गया है और इन 15 मेजर प्रोग्राम्स को 3 पीरियड में इम्प्लीमेंट किया जाएगा या 3 फेजेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म फेज है जो 4 ईयर्स के लिए होगा, फर्स्ट 4 ईयर्स 2020 से लेकर 2024। फिर फ्रेंड्स मीडियम टर्म के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 3 ईयर्स के लिए 2027 तक और फ्रेंड 2027 से 2030 तक नेक्स्ट एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा लॉन्ग टर्म्स के लिए। तो बेसिकली इस प्लान के अंदर 3 फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो भी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा। यह जो फ्रेंड ड्राफ्ट विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान है 2020 से लेकर 2030, यह एडिशन में है जो इंडिया का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है 2017 से लेकर 2031 के लिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान को लॉन्च किया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स। और अभी इंडिया पार्ट भी है फ्रेंड्स सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का जिसको 2018 से लेकर 2023 तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें याद रखना है या वर्ल्ड कंजर्वेशन के रिलेटेड फ्रेंड्स इंडिया गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो आप 3 एग्जांपल दे सकते हैं, ड्राफ्ट विजनरी प्लान फॉर 2020 से लेकर 2030 तक, देन कम्स इंडियाज नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, देन कम्स कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स जो नेशनल एक्शन प्लान है वो, और इंडिया खुद एक पार्ट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। अब हम फ्रेंड्स जो विजन प्लान लॉन्च किया गया है उसकी मेन हाइलाइट्स को देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स वर्ल्ड के सर्वे को कंडक्ट किया जाएगा और सिलेक्टेड लैंडस्केप में यह सर्वे कंडक्ट किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरियाज़ को जहां पर वर्ल्ड और उनकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकेगा। देन नेक्स्ट है फ्रेंड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। ऐसी बर्ड्स जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं फ्रेंड्स उनके लिए स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम की भी बात की गई है और इस प्रोग्राम के अंदर लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया जाएगा और वर्ल्ड की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा इन अर्बन एरियाज। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा ताकि वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट ना हो सके। नेक्स्ट है फ्रेंड कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स को ध्यान में रखते हुए स्पीसीज स्पेसिफिक एक्शन प्लान को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स नेशनल डाटाबेस को भी बनाया जाएगा और उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसके साथ हम असेसमेंट कर सकेंगे उनके हैबिटेट्स का और क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स को और क्या क्या स्टेप लिए जाने चाहिए वो भी फ्रेंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स के कंजर्वेशन पर फोकस करके बनाया जाएगा। तो बेसिकली इस प्लान के अंदर फ्रेंड्स हर एक बर्ड को कंजर्व किया जाने वाला है। पहले हम वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके साथ ही साथ जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है उनके लिए स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है और जो माइग्रेटरी बर्ड है फ्रेंड उनको भी कंजर्व किया जाएगा। अब हम फ्रेंड्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज देख लेते हैं। यह जो विजन प्लान है वह बेसिकली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसमें मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक फोकल मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए और सभी
इंस्टीट्यूशन के कैलिब्रेशन के लिए एक नोडल इंस्टीट्यूशन को भी बनाया गया है। नोडल इंस्टीट्यूशन का नाम है फ्रेंड्स सेकॉन या सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के बारे में भी हम देख लेते हैं। हमने देखा था फ्रेंड्स जो विजन प्लान है उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा डिफरेंट लैंडस्केप में और फिर वर्ड्स को कंजर्व किया जाएगा। अब हम इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक ऐसा एरिया होता है फ्रेंड जिसको जो इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ क्राइटेरिया उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई किया जाता है और फ्रेंड्स इसको आइडेंटिफाई किया जाता है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। और करेंटली अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड वाइड में तो नियरली 12,000 ऐसे आईवीए एरियाज हैं। और हम अब नोडल एजेंसी जो इस प्लान को इंप्लीमेंट करने में सहायता करेगी उसका नाम था फ्रेंड्स सेकॉन सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए यह एक सोसाइटी है जो इसका प्रेसिडेंट होता है वो यूनियन मिनिस्टर होता है फ्रेंड्स। ये इसका हम लोकेशन देखें तो वो तमिलनाडु की कोयम्बटूर सिटी के पास यह लोकेटेड है फ्रेंड्स। यह एक सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। इसका मिशन क्या है फ्रेंड्स? मिशन भाई ये जो इम्पोर्टेंट डाइवर्सिटी इंडिया की उसको कंजर्व करना और उसके सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करना। कैसे करेंगे? थ्रू रिसर्च एजुकेशन एंड पीपल पार्टिसिपेशन। और यह सब फ्रेंड्स वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करके किया जाएगा। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स एवियन बोटुलिज्म के बारे में जान लेते हैं। एवियन बोटुलिज्म की वजह से अभी साबर लेक में थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ देखने को मिली थी राजस्थान। जो एवियन बोटुलिज्म है वो एक बैक्टीरियम की वजह से होता है जिसका नाम है फ्रेंड क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया फ्रेंड्स उसकी वजह से एवियन बोटुलिज्म होता है। और इस एवियन बोटुलिज्म में फ्रेंड्स जो नर्वस सिस्टम है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है बर्ड्स का जिसकी वजह से पैरालिसिस देखने को मिलता है। फ्रेंड जो यह बैक्टीरिया है इसका इंक्रीज इन नंबर इसलिए देखने को मिला है क्योंकि जो सावर लेक है उसमें फ्रेंड्स जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और यह फेवरेबल कंडीशन बनाता है इस बैक्टीरिया के लिए जो कि एक हीट रेजिस्टेंट होता है और थ्राइव कर सकता है इवन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यह फ्रेंड्स एक्सक्रीट करता है टॉक्सिन्स को। अब हम फ्रेंड्स सावर लेक के बारे में जान लेते हैं। यह लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का और यह सिचुएटेड है राजस्थान में। इसको फ्रेंड रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है। और यह फ्रेंड्स फेमस है फॉर होस्टिंग वेराइटी ऑफ विंटर वाटर बर्ड्स और इंक्लूड करता है लार्ज नंबर ऑफ लेसर एंड ग्रेटर फ्लेमिंगोस को, इसलिए यह फेमस भी है फ्रेंड्स। और लेकिन अभी ह्यूमन एक्टिविटीज ज़्यादातर यहाँ पर देखी जा रही हैं लाइक सॉल्ट प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक ग्रेजिंग। उसकी वजह से फ्रेंड जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है लेक की वो बढ़ चुकी है। और अभी हमने देखा बैक्टीरियम की वजह से एवियन बोटुलिज्म की बीमारी भी देखी गई जिसकी वजह से पैरालिसिस हो रहा है अभी माइग्रेटरी बर्ड्स को। फ्रेंड्स वॉन कन्वेंशन या CMS कन्वेंशन के बारे में हम जान लेते हैं। अभी इंडिया में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 को ऑर्गेनाइज किया गया था गांधीनगर में, इसलिए हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। यह तो हमने देख ही लिया है फ्रेंड्स कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की जो मीटिंग थी वो इंडिया में हेल्ड हुई थी। यह फ्रेंड 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, आपको याद रखना है। किसी भी कन्वेंशन की फ्रेंड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ही होती है। इंडिया को फ्रेंड्स नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंसी दे दी गई है टिल 2023। और ऐसा भी बोला जा रहा है जो है फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 थी, यह लार्जेस्ट एवर कॉन्फ्रेंस थी CMS की हिस्ट्री में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 की बात करें तो यह फ्रेंड्स उस इंटरनेशनल नेचर रिलेटेड मीटिंग का सीरीज है जो 2020 में होनी है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट मीटिंग थी फ्रेंड्स। और यह जो इंटरनेशनल नेचर रिलेटेड मीटिंग्स की जो सीरीज है वो अक्टूबर में कल्मिनेट होने वाली है। चाइना में फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस होगी और यह नेचर रिलेटेड की मीटिंग्स हैं वो कल्मिनेट हो जाएंगी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फ्रेंड्स फर्स्ट मीटिंग थी 2020 में। और जो फ्रेंड्स अक्टूबर में बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस होने वाली है वहाँ पर एक न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को भी अडॉप्ट किया जाएगा। उसका नाम है पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब हम फ्रेंड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 से रिलेटेड। इस बार की जो थीम थी वह थी फ्रेंड्स माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। जो लोगो था इस बार का फ्रेंड्स वो कोलम आर्ट से बनाया गया था। कोलम आर्ट एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है सदर्न इंडिया को और इसी आर्ट को यूज़ किया गया था माइग्रेटरी स्पीसीज को डिपिक्ट करने के लिए। जो इस बार का शुभ अंकर या मास्कोट था वो फ्रेंड्स गिबली था द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। लोगों को देखिए फ्रेंड्स जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 का था CMS व्हाइट कलर से डिपिक्ट किया गया है। इस लोगों में फ्रेंड्स 3 माइग्रेटरी स्पीसीज को शो किया गया है जो इंडिया से पास होती हैं, एक अमूर फैल्कन, देन फ्रेंड्स मेरन टाइटलस और लास्ट में हम्पबैक व्हेल।
इस लोगो को फ्रेंड्स कोलम आर्ट से बनाया गया है, जो कि एक सदर्न इंडिया की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। और आप फ्रेंड मास्कोट भी देख सकते हैं शुभंकर, जिसको गिबी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम दिया गया है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के IUCN स्टेटस की बात करें तो यह फ्रेंड्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल वन में इसको रखा गया है। अब फ्रेंड्स मेजर हाईलाइट्स देख लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 के। सिंस यह गांधीनगर में ऑर्गेनाइज की गई थी, इसलिए गांधीनगर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। इस डिक्लेरेशन में फ्रेंड्स माइग्रेटरी स्पीसीज और इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो अक्टूबर में फ्रेंड्स चाइना में मीटिंग होनी है, और उसमें जो पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया जाएगा उससे इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। कुछ डिसीजंस भी लिए गए फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 में। 10 न्यू स्पीसीज को जोड़ा गया है फ्रेंड्स अपेंडिसिस में, 7 न्यू स्पीसीज को अपेंडिक्स 1 में जोड़ा गया है, और अपेंडिक्स 1 में फ्रेंड्स हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है जिन स्पीसीज को अपेंडिक्स 1 में डाला जाता है। इंडिया की फ्रेंड 3 स्पीसीज हैं आपको याद करना है, एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन, और इसके साथ ही साथ जैगुआर, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन एल्बाट्रॉस एंड ओशियनिक व्हाइट टिप शार्क, इनको इंक्लूड किया गया है अपेंडिसिस 1 में। जो अपेंडिक्स 2 है फ्रेंड्स उसमें भी कुछ स्पीसीज को डाला गया है, जैसे द यूरियल, स्मूथ हैमर एड शार्क एंड टॉप शार्क, इनको फ्रेंड्स अपेंडिक्स 2 में डाला जाएगा। अपेंडिक्स 2 में बात करें तो फ्रेंड्स उन स्पीसीज को डाला जाता है अगर जिनको कंजर्व नहीं किया जाएगा तो फ्रेंड्स वो थ्रेटन हो सकती हैं और वो अपेंडिक्स 1 में ना जाए, इसलिए उनको पहले से अपेंडिक्स 2 में डाला जाता है ताकि इनहेंस्ड कोऑपरेशन से उनका कंजर्वेशन बढ़ाया जा सके। फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 में अम्बेसडर प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है और 3 CMS अम्बेडकर को आइडेंटिफाई किया गया था, और एम वही था फ्रेंड्स के अवेयरनेस को जनरेट किया जाए, जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं CMS के प्रोग्राम्स को उनको हाईलाइट किया जाए और माइग्रेटरी स्पीसीज के जो थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। जो 3 एम्बेसडर थे फ्रेंड्स उनको सेपरेटली नेम किया गया फॉर टेरेस्ट्रियल एविएशन एंड एक्वेटिक स्पीसीज। फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में 7 माइग्रेटरी स्पीसीज चैंपियंस को भी आइडेंटिफाई किया गया है, और इंडिया फ्रेंड्स उन 7 माइग्रेटरी चैंपियंस में से एक कंट्री थी। जर्मनी, इंडिया, इटली, मोनेको, नॉर्वे, यूरोपियन कमीशन एंड एनवायरमेंटल एजेंसी, इन सबको आइडेंटिफाई किया गया है एज अ 7 माइग्रेटरी स्पीसीज चैंपियन बिकॉज ऑफ देयर जनरस कॉन्ट्रीब्यूशन टू CMS इनिशिएटिव। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में जाने तो यह फ्रेंड्स प्रोटेक्ट करता है टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज का ऐसी कंट्रीज से जहाँ से ये पास होती हैं, उनको फ्रेंड्स हम रेंज स्टेट या रेंज कंट्रीज बोलते हैं। और यह फ्रेंड्स वर्ल्ड में ओनली वर्ल्ड वाइड ऐसा कन्वेंशन है जो एक्सक्लूसिवली काम करता है माइग्रेट एनिमल्स के लिए। CMS कन्वेंशन को फ्रेंड्स बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको 1979 में जर्मनी में साइन किया गया था और इंडिया ने फ्रेंड्स इसको 1983 में रेटिफाई कर दिया था, और यह एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर फ्रेंड्स लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी बनाए जाते हैं, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स लेस फॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, और ईच कंट्री के हिसाब से भी फ्रेंड्स किस तरह के एग्रीमेंट बनाए जाने हैं उस तरह के भी फ्रेंड्स एग्रीमेंट को बनाया जाता है, ताकि वर्ल्ड वाइड हम कंजर्वेशन कर सकें उन माइग्रेटरी स्पीसीज का जो पास होती हैं इन रेंज कंट्रीज से। CMS की फ्रेंड 2 अपेंडिसेस होती हैं जो माइग्रेटरी स्पीसीज को लिस्ट करती हैं। अपेंडिक्स 1 में फ्रेंड उन स्पीसीज को डाला जाता है जो थ्रेटन है और एक्सटिंक्शन की कगार पर है। इंडिया के भी 3 स्पीसीज को डाला गया है इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 में, एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और अपेंडिसिस 2 में उन स्पीसीज को डाला जाता है फ्रेंड्स जिनको इंटरनेशनल कॉपरेशन की सख्त ज़रूरत है, और अगर उनका कॉपरेशन किया जाता है तो वो कॉपरेशन के थ्रू अगर उनका कंजर्वेशन किया जाता है तो वो फ्रेंड्स एक्सटिंक्शन की कगार से बच सकती हैं। फ्रेंड्स 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो CMS की हुई थी उसमें स्टेट ऑफ इंडियन वर्ड्स 2020 रिपोर्ट को निकाला गया है। तो स्टेट ऑफ इंडियन वर्ड्स 2020 रिपोर्ट को हम पढ़ लेते हैं। इस रिपोर्ट को 10 इंस्टीट्यूशन और कुछ न्यूमरस सिटीजन साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया है। इस रिपोर्ट के अंदर फ्रेंड्स इंडिया की 867 इंडियन वर्ड स्पीसीज को एसेस किया गया है, और उनके ओवरऑल कंजर्वेशन स्टेटस के साथ साथ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, करेंट ट्रेंड एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज को भी एसेस किया गया है। की हाईलाइट्स की अगर हम बात करें तो 101 स्पीसीज को फ्रेंड्स हाई कंजर्वेशन कंसर्न के कैटेगरी में रखा गया है इंडिया के लिए। एग्जाम्पल है रैप्टर्स, माइग्रेटरी सोरबर्ड्स, हैबिटेट स्पीसीज लाइक इंडियन वल्चर्स एंड
अदर स्पीसीज। इंडियन वल्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो उनकी पॉपुलेशन में एब्रप्ट डिक्लाइन देखने को मिला था इन 1990s, और यह सब डाइक्लोफेनेक ड्रग की वजह से हुआ था फ्रेंड्स। और जो फोर स्पीसीज है वस्टर्ड की इंडिया में, उनमें भी फ्रेंड्स डिक्रीज देखने को मिला है बिकॉज ऑफ हंटिंग, वाइड स्प्रेड हैबिटेट लॉस और देयर स्लो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो फोर स्पीसीज बस्टर्ड की जो इंडिया में पाई जाती हैं वो आप याद कर लीजिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मकून बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन। फ्रेंड्स बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को तो अपेंडिक्स वन में ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड 867 इंडियन वर्ड स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स 101 वर्ड्स को हाई कंजर्वेशन कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है और 319 वर्ड स्पीसीज को मॉडरेट कंजर्वेशन कंसर्न्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ ही साथ 442 स्पीसीज को लो कंजर्वेशन कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। फ्रेंड्स यह प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स में अगर हम देखें तो 2000 से 75% तक डिक्लाइन देखने को मिला है बर्ड्स की पॉपुलेशन में। रीजन क्या है फ्रेंड्स डिक्लाइन का? हैबिटेट लॉस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड, हंटिंग एंड ट्रैपिंग फॉर पेट ट्रेड। और फ्रेंड्स 126 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है। ऐसी स्पीसीज हैं फ्रेंड्स जिनके नंबर में इंक्रीज देखने को मिलेगा क्योंकि यह स्पीसीज फ्रेंड ह्यूमन हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर सकती हैं, जैसे कि पीकॉक, हाउस स्पैरो एंड एशियन कोयल। अब हम फ्रेंड्स कुछ नंबर्स की बात करें जो स्टेट ऑफ इंडिया वर्ड्स 2020 रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए हैं, वो भी आप देख लीजिए। वर्ड स्पीसीज की बात करें इंडिया में तो 1317 वर्ड स्पीसीज है और 22 स्पीसीज तो ऐसी हैं फ्रेंड जो हमारे इंडिया में ही पाई जाती हैं और 100 स्पीसीज को थ्रेटेंड स्टेटस दिया गया है, 20 स्पीसीज को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और कुछ स्पीसीज को फ्रेंड रेयर कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि वो स्पार्सली पॉपुलेटेड होती हैं, और ऐसी 270 स्पीसीज हैं। जो 270 स्पीसीज हैं फ्रेंड्स ये नियरली 21% अकाउंट करती हैं हमारे इंडिया की टोटल वर्ड स्पीसीज का। जो टोटल वर्ड स्पीसीज हैं वो है 1370। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं फ्रेंड्स जिनको कैटेगराइज किया गया है रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन, जो कि हमने ऊपर देखा वो है रेप्टर्स, फीजेंट्स, बस्टर्ड, हॉर्नबिल्स, क्रेन्स, स्टॉक और कुछ अदर स्पीसीज भी हैं। इस टॉपिक में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।